हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क शेक। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इस गर्मी में ना इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे ना बड़े बच्चे बूढ़े सब खाते हैं, इतना ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसलिए ना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बनाते एकदम ज़बरदस्त रेसिपी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर चलिए किचन में बनाते एकदम ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 1.5 लीटर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर लिया है दूध। अगर आपको ज़्यादा चाहिए बादाम मिल्क शेक तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से ना बॉईल हो चुका है, जो भी आपके घर में दूध आता है ना, भैंस का या फिर गाय का, वो ले सकते हैं। अच्छे से बॉईल होने के बाद इसके अंदर है ना मैंने 1 कप जितना शक्कर डाल दिया है। शक्कर आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर है ना ठंडे चीज़ में थोड़ा सा शक्कर ज़्यादा ही डालना पड़ता है, क्योंकि है ना ठंडा होने के बाद ना फीका लगने लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना 1.5 लीटर दूध के लिए ना 1 कप जितना शक्कर डाल दिया। इसे ना अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। जब तक दूध गाढ़ा होने लगा ना, तब तक हम क्या करेंगे, बादाम को अच्छे से दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 10-20 बादाम लिया है। इनको है ना रात को मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, और अच्छे से ना भीग चुके इनके छिलके हटाकर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। ये बादाम डालेंगे तो पिसेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालकर ना अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा सा बना लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना अच्छे से बादाम को दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस उबलते दूध के अंदर है ना ये बादाम के पेस्ट को डाल देना है। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, हमें गैस को बड़ा नहीं करना है बिल्कुल भी। उबाला आकर ना सारी मलाई बाहर निकल जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए धीमे आंच पर है ना इसे पकने दीजिए दूध को। इसके अंदर ज़बरदस्त खुशबू आने के लिए मैं यहाँ पे ना 1/2 चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल दूँगी। इसे ज़रूर डालना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे ना हल्का सा गुनगुना दूध लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चम्मच से ना मैंने 3 चम्मच लिया है, ज़्यादा नहीं लेना वरना गाढ़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ना वनीला फ्लेवर का है ना कस्टर्ड पाउडर लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना वो ले सकते हो। हमें है ना इस दूध में डालकर है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बनना चाहिए। आपको है ना बैकग्राउंड में ना आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ियों की, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना हमारा घर है ना सड़क पर ही है, इसलिए ना आते जाते गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए ना आप आवाज़ पर ध्यान मत देना, रेसिपी के ऊपर ध्यान देना। मैंने यहाँ पे ना कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ना थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर ऐड करते जाना, एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहिए और दूसरे हाथ से ना हिलाते रहिए। ऐसे करेंगे ना तो लम्स नहीं बनेंगे। कस्टर्ड पाउडर को ना ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का से उबाल आने तक मिक्स करते हुए पकाना। उसके बाद है ना गैस को बंद कर देना है। और इसके अंदर है ना अच्छे से उबाल आ चुका, अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। हमें ना तुरंत इसे फ्रिज में नहीं रखना है, थोड़ा सा बाहर ठंडा होने देंगे, उसके बाद है ना फ्रिज के अंदर रख देंगे। इसे ना मिक्स करते हुए ना थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका, अब हम क्या करेंगे, इसे बाउल में डालकर है ना फ्रिज में रख देंगे 5-6 घंटे के लिए, ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद है ना इसे सर्व करेंगे। बादाम शेक को है ना फ्रिज में रखे हुए ना 5-6 घंटे हो चुके, अब ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध के लिए ना 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया, तो परफेक्ट बन चुका है। अगर आप दूध ज़्यादा लेते हैं तो कस्टर्ड पाउडर भी ज़्यादा लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। ऊपर से डाल देंगे काजू बादाम कट करके। तो फ्रेंड तैयार हो चुका एकदम ज़बरदस्त बादाम मिल्क शेक, ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।